The faculties, they are the best one. The Plutus Academy, आपको कैसा लगा? It's really good. Faculty is good, they're knowledgeable and they're teaching in an understandable manner. All our best, faculty best. Hello and welcome to our channel, Our Education. मैं हूँ मोपिया बिस्वास और इस वीडियो में हम करने वाले हैं Plutus Academy का रिव्यू. जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम ठीक प्लूटस एकेडमी के बाहर खड़े हैं और आज हम यहाँ के स्टूडेंट से जानेंगे कि उनकी क्या राय है प्लूटस एकेडमी के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं. अपना नाम बता दो. माय नेम इज रचित एंड आई एम स्टडिंग प्लूटस एकेडमी. आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द फैकल्टीज हियर एंड माय फेवरेट टीचर इज अंजलि मैम. द वे शी टीच वाज लाइक शी विल मेक यू लव विद इंग्लिश. व्हेन हैव यू जॉइंड दिस प्लूटस एकेडमी? इट्स अराउंड, इट्स बीन अ मंथ, I guess. Yes. And can you tell like what are you preparing for? I'm preparing for banking examination. What is the fee structure? It's around 12,000 for banking examination, I guess. Yes. What do you like about this academy? I guess the faculties, they are the best one. The ma'am which teaches us English and the reasoning, they all are fantastic and they all are fabulous, I guess. Yes. So, apart from this academy, have you joined any other institute also? No, it's my first one. Okay. So, like, if you want to improve something about this academy, if any suggestion you want to give, then what it will be? I don't think so any suggestion should be given because they are so much appropriate in their work. But I'm much satisfied. I don't think so they need any suggestions or something. Okay. Aaj ka Hindu newspaper padha hai? No. Okay, not an issue. Thank you. आपका नाम क्या है? मोनिका. और किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो आप? बैंकिंग के लिए. कब ज्वाइन किया प्लूटस अकेडमी? 12 अगस्त. और फीस स्ट्रक्चर क्या आप बता सकते हैं? वो 10,000 फीस है और GST है 1,800. कुछ मतलब क्या आपको कोचिंग कैसा लगा आप ये बता? कोचिंग अच्छी है, ऑल टीचर्स अच्छे से समझाते हैं. कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो ही बता देते हैं. और कोई और भी कोचिंग इसके अलावा ज्वाइन कर रखा है आपने? नो, यही फर्स्ट है. एंड कोई सजेशन है कि ये इम्प्रूवमेंट, ये पर्टिकुलर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इस अकेडमी में, कोई भी सजेशन आपको? नो सजेशन, ऑल आर बेस्ट, फैकल्टी बेस्ट है. हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा है? जी. कोई आज के किसी टॉपिक पर आप कुछ बताना चाहोगे, लाइक अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी एक टॉपिक? आज नहीं पढ़ा. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. ओके. आपका नाम क्या है? नितिन कुमार. किस एकेडमी से? प्लूटस एकेडमी से. और कब ज्वाइन किया आपने प्लूटस एकेडमी? 12 अगस्त में. कौन से, क्या, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो आप? SSC CGL के कर रहा था. फीस स्ट्रक्चर बता दो आप. 13,000 अराउंड प्लस. तो सबसे अच्छी बात क्या लगी है प्लूटस एकेडमी की? प्लूटस अकेडमी में ये अच्छा लगा कि जैसे कि इंडिविजुअल पे ध्यान देते हैं. जैसे कि इंग्लिश का है तो हर एक बच्चे को मतलब डायरेक्टली पूछ सकता है और डाउट्स क्लियरेंस डाउट मतलब हैंड टू हैंड हो जाता है. और ऐसे ग्रुप मतलब ग्रुप्स बने हुए हैं तो उसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हो तो डायरेक्ट मतलब आंसर मिल जाता है टीचर से, तो वो बेनिफिशियल है. और PPT मिल जाती है क्लास से डायरेक्टली, सो दैट विल बी वैल्यू फाइन. ओके. और किसी भी कोचिंग को आपने ज्वाइन कर रखा है? नहीं, इससे पहले मैंने किया था नियरली टू ईयर्स. सो एंड जो एक इम्प्रूव, जो आपको कोई लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कोई सजेशन है कि ये इम्प्रूव होना चाहिए? नहीं, सजेशन तो वैसे नहीं, पर लेकिन क्लासेस ठीक चलती है तो कोई इशू नहीं है, वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा है आज का तो नहीं पढ़ा, पर लेकिन पढ़ता रहता हूँ कभी कभी, मतलब रेगुलरली नहीं है, कभी कभी डायरेक्ट. कोई एक टॉपिक है जिसके बारे में, कोई टॉपिक जिसके बारे में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहोगे? कोई टॉपिक अभी जो चल रहा था वो था वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर था, वही कि जैसे वुमेन को मतलब अलग अलग फील्ड में ट्राई करना चाहिए. और तो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दो. वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में व्यू कि जैसे उनको है मतलब आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए हर एक फील्ड में. जैसे कि पहले था जो कि वुमेन्स को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी मतलब हर एक फील्ड में, वो प्रायोरिटी अब दी जा रही है. तो हम देख रहे हैं कि मतलब काफ़ी जगह वुमेन्स को हम मतलब उठते हुए देख रहे हैं इन डिफरेंट फील्ड्स, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर फ्यूचर. थैंक यू. नाम बता दें. अर्पिता सिंह. कौन, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो? बैंक PO. एंड कब ज्वाइन किया आपने? 12th अगस्त बैच. फीस? 10,000 प्लस 1,800 GST. क्या लगता है कोचिंग के बारे में, आपका क्या कहना?
ओवरऑल कोचिंग बहुत अच्छी है, फैकल्टी बहुत फ्रेंडली है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे कि आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं अपार्ट फ्रॉम क्लासेस. मतलब काफ़ी हेल्पफुल फैकल्टी है ओवरऑल. और इसके अलावा कोई इंस्टीट्यूट अकेडमी ज्वाइन किया आपने? नो नो नो. ओके, सो एनी सजेशन, एनी इम्प्रूवमेंट आप जो आपको लगता है कि होनी चाहिए कोई इम्प्रूवमेंट? अभी तक तो मुझे कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं लगा. अगर होगा सो या मैं आपको ज़रूर बताऊँगी. हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा है? यस. आज के किसी भी टॉपिक पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू? हाउडी मोदी एक यूएन चल रहा है, सो उसी के बारे में पढ़ा था कि मोदी जी को बहुत अच्छे से उनका इनॉग्रेशन किया गया, बहुत अच्छे से उनको एड्रेस किया गया. सो फॉर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी आर वेरी प्राउड कि मोदी सर हम इंडिया को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ऑन इंटरनेशनल लेवल. सो दैट वॉज माई पॉइंट ऑन हाउडी मोदी. थैंक यू. नितिका शर्मा. किस चीज़ की प्रिपरेशन कर जी? बैंकिंग एंड SSC कम्बाइन. फीस क्या है? फीस स्ट्रक्चर GST को मिला के मैंने 20,000 पे किया था. क्या कहना है कोचिंग के बारे में? जी कोचिंग तो बहुत अच्छी है. फर्स्टली स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम थी बट टीचर्स के साथ फैकल्टी के साथ उन्होंने प्रॉपरली हेल्प की और अब बिल्कुल टोटली फाइन है. अब इसके अलावा कोई कोचिंग है जो आपने ज्वाइन किया है? नहीं नहीं, इसके अलावा तो कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया. कोई इम्प्रूवमेंट, कोई सजेशन आप देना चाहोगे कि इस चीज़ पर इम्प्रूव करना चाहिए? नहीं नहीं, टीचर हमें हमेशा हेल्प करते हैं. एट एनी टाइम अगर हम उनको बोले कि हमें अभी हेल्प की ज़रूरत है तो हम ऑब्वियसली वो हेल्प करते हैं हमारी. हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा? जी बिल्कुल. कोई टॉपिक के बारे में अपना? जी आजकल तो वही फेमस कल का टॉपिक था, मोदी जी अमेरिका गए थे एंड दे विल, उन्होंने इंडियन को इतना रिप्रेजेंट किया तो वी प्राउड ऑफ हिम. ओके थैंक. तो जैसा कि आपने देखा, हमने प्लूटस एकेडमी के स्टूडेंट्स से इस एकेडमी का रिव्यू लिया है. हमारी कोशिश यही है कि जो भी स्टूडेंट्स एक अच्छे कोचिंग की तलाश में है, हम उन तक ये वीडियो पहुंचाए जिसके ज़रिए वो बेस्ट कोचिंग सेलेक्ट कर सके, बेस्ट गाइडेंस में एग्ज़ाम दे सके. और हमारी आगे भी यही कोशिश रहेगी कि हम बेस्ट कोचिंग्स के जो रिव्यूज़ हैं आप तक पहुँचाते रहें. उसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए. थैंक यू. सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon to get the latest updates on time.